गाजियाबाद है हमनी के यहाँ बात बात पर गोली मार दे रही। हमार नाम पंकज पांडे है, हम बिना बात के गोली मारेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिल्मी वाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस खास वीडियो में हम बात करने वाले हैं महादेव का गोरखपुर मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। महादेव का गोरखपुर इस फिल्म को रिलीज किया गया है 29 मार्च साल 2024 को। फिल्म के स्टार कास्ट में मेगा स्टार रवि किशन, विनीत विशाल और सुशील सिंह जैसे कलाकार नजर आएंगे। इसके अलावा इस फिल्म में गोरखपुर के काफी सारे कलाकारों को लिया गया है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है मलयालम फिल्म के डायरेक्टर राजेश मोहनन ने। इस फिल्म को 200 से भी ज्यादा सिनेमा हॉल के साथ रिलीज किया गया है। ये फिल्म भोजपुरी में बनने वाली पहली पैन इंडिया फिल्म है जिसे तमिल, तेलुगु, हिंदी, भोजपुरी और कन्नड़ लैंग्वेज में रिलीज किया गया है। इस फिल्म को बिहार के 72 सिनेमा हॉल, यूपी के 52 सिनेमा हॉल, बंगाल और असम के 23 सिनेमा हॉल के साथ रिलीज किया गया है। इसके अलावा ये फिल्म 5 भाषाओं के साथ साथ 5 देशों में भी रिलीज हुई है। ये भोजपुरी की पहली ऐसी फिल्म है जिसे अमेरिका में रिलीज किया गया है। इस फिल्म को अमेरिका में 12 सिनेमा हॉल मिले हैं। बात करें इस फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बारे में तो इस फिल्म का बजट रवि किशन ने 13 से 14 करोड़ बताया था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अभी तक 4.5 करोड़ की कमाई कर चुकी है। हालांकि फिल्म का कलेक्शन अभी जारी है और फिल्म के थिएटर्स भी काफी बढ़ा दिए गए हैं। इस फिल्म को IMDb पर 9.2 की रेटिंग मिली है। वहीं बुक माई शो ने इस फिल्म को 8.6 की रेटिंग दिया हुआ है। इस फिल्म को ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों की तरफ से पॉजिटिव रिव्यू मिले हैं। फिल्म के शूटिंग में 100 दिन से भी ज्यादा समय लगा है। फिल्म की ज्यादातर शूटिंग गोरखपुर में की गई है। इस फिल्म की स्टोरी बाकी फिल्मों से काफी अलग है और इस फिल्म के जरिए कुछ नया करने की कोशिश की गई है। फिल्म के एक्शन सीन्स काफी शानदार और हाई लेवल के रखे गए हैं। अगर आपने इस फिल्म को नहीं देखा है तो एक बार जरूर देखिए और ऐसी ही कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी रेगुलर पाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।